नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। 1990 में कश्मीर की घाटी में हिंदुओं के साथ नरसंहार होता है, जिस पर की एक फिल्म बनती है। विवेक अग्निहोत्री डायरेक्टर हैं इस फिल्म के। उन्होंने फिल्म बनाई दी कश्मीर फाइल्स, और कश्मीर फाइल्स में किस तरीके से कश्मीर की घाटी में जो हिंदू थे, हिंदू परिवार जिन्होंने पलायन किया और शरण लेकर के रहने को मजबूर हो गए, इस कहानी को दिखाया गया इस फिल्म के जरिए। और जब ये फिल्म रिलीज हुई उसके बाद से लगातार ये फिल्म जो है तमाम तरीके की कॉन्ट्रोवर्सी इस फिल्म ने क्रिएट की, जहाँ इस फिल्म को लेकर के इस देश में राजनीति भी लगातार होती रही। जहाँ एक पक्ष इस फिल्म का समर्थन करता रहा तो वहीं दूसरा पक्ष ऐसा भी मौजूद था जिसने यहाँ तक कह दिया कि इस फिल्म को बैन करना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म जो है वो देश में जहर घोलने का काम कर रही है, देश के माहौल को बिगाड़ने का काम कर रही है। आपको बता दें ये फिल्म बहुत ही कम बजट की बनी थी, तकरीबन 15 करोड़ इसका बजट बताया जा रहा था। वहीं इस फिल्म की कमाई की बात करें तो बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने तकरीबन 250 से भी ज़्यादा करोड़ की कमाई की है। लेकिन अब जब द कश्मीर फाइल्स रिलीज़ हुई उसके बाद से तमाम चीज़ें लोगों के सामने आई। लोगों को ये नहीं पता था कि कैसे रातों रात कश्मीरी हिंदुओं ने मजबूरन अपना ही घर छोड़ा और अपने ही देश में वो शरण लेने को मजबूर हो गए उस रात को। वैसी ही तमाम तरीके की सच्चाई इस फिल्म में दिखाई गई, जिसके बाद लोगों ने लगातार ट्विटर पर ये डिमांड की कि जिस तरीके से 1984 में सिखों के साथ अन्याय हुआ, दंगा हुआ, उसकी भी कहानी बननी चाहिए, और 2020 में कैसे दिल्ली जो कि देश की राजधानी है वहाँ पे दंगे होते हैं उस पर भी फिल्म बनाई जानी चाहिए। जिसके बाद विवेक अग्निहोत्री ने अब अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये जानकारी साझा की है और बड़ा ऐलान किया है कि अब द दिल्ली फाइल्स बन सकती है और इस पर काम भी शुरू हो गया है। वही जैसे ही उन्होंने ये ट्विटर के द्वारा जानकारी दी तो तमाम तरीके के रिएक्शंस सामने आने लगे। जहां कई लोग इसको सराह रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसका अभी से विरोध करना शुरू कर दिए हैं, और राजनीति जो है द कश्मीर फाइल्स के बाद एक बार फिर से द दिल्ली फाइल्स को लेकर के शुरू हो गई है। आपको बता दें डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने ट्विटर पर शुक्रवार सुबह लिखा, मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स को अपनाया। बीते 4 साल हमने पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत की। हो सकता है कि मैंने आपके टीएल को स्पैम किया हो, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार और अन्याय की कहानी को लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी नई फिल्म पर काम शुरू करूं। इस ट्वीट के साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट में विवेक अग्निहोत्री ने इशारा किया, और वो इशारा था #TheDellyFiles बनाएंगे, जिसके बाद तमाम रिएक्शंस जो है लगातार आने शुरू हो गए। वहीं गौतम गंभीर ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली में बेगुनाहों पर हो रहे अत्याचार और जघन्य हत्याकांड अब दिन के उजालों में दिखाई देंगे। आइए देखें कि क्या मिस्टर ईमानदार YouTube पर भी ऐसा चाहते हैं। #DellyFiles, यानी कि उनका सीधा सीधा जो इशारा था वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर, क्योंकि जिस तरीके से 2020 में देखा गया कि देश की राजधानी में दंगे हो जाते हैं, और जो आपके पार्षद हैं ताहिर हुसैन, उनसे भी कनेक्शन दिल्ली दंगों के जुड़े हुए थे, और पाया गया था कि उनकी छतों में किस तरीके से लोग जा कर के हमला कर रहे थे, पेट्रोल बम बनाए जा रहे थे और लोगों पर हमला किया जा रहा था। उसी के साथ ही साथ पाया गया था कि एक IB का अधिकारी था जिसकी की बुरी तरीके से चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी जाती है, और उसकी लाश नाले में पाई जाती है, और इतनी बुरी तरीके से उसकी हत्या की जाती है कि उसका चेहरा भी पहचान में नहीं आता। इस तरीके से तमाम चीज़ें हुई थी उस वक्त दिल्ली में जब प्रोटेस्ट किया जा रहा था, और नागरिकता संशोधन जो कानून है उसको लेकर के दिल्ली में ये प्रोटेस्ट हो रहा था, और अचानक से ये प्रोटेस्ट जो है दंगों का रूप ले लेता है। वहीं जानकारी ये भी आ रही है कि हो सके विवेक अग्निहोत्री जो है जिस तरीके से 1984 में सिखों के साथ अन्याय हुआ था, सिख दंगे हुए थे, उस पर भी फिल्म बनाई जा सकती है, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि जो सिखों के साथ दंगा हुआ था वो एक
प्री प्लान दंगा था और सोचा गया था कि सिखों की पूरी कौम को यहाँ से हटा देना है, बर्बाद कर देना है, इसलिए इस नरसंहार को प्लान किया गया था और ये चीज़ें हुई थी। वहीं बॉलीवुड एक्टर और कश्मीर फाइल्स में काम कर चुके एक्टर अनुपम खेर ने इस फिल्म का पोस्टर भी शेयर किया और अनुपम खेर ने पोस्टर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, प्रिय विवेक अग्निहोत्री, आपको दिल्ली फाइल्स के लिए शुभकामनाएं। मुझे यकीन है कि एक फिल्म निर्माता के रूप में आप हमारे अतीत के और अध्याय के साथ बहुत अच्छा न्याय करेंगे, जिसे गलत ढंग से प्रस्तुत किया जाता रहा है। इसका हिस्सा बनने के लिए मैं उत्सुक हूं। बता दें, विवेक अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल से पहले इतिहास के छुपे हुए कई राज सवालों को अपनी फिल्म के जरिए लोगों के सामने ला चुके हैं। उनकी इस सीरीज में दी ताशकंद फाइल्स साल 2019 में आई थी। इस फिल्म के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत की गुत्थी को खोलने की कोशिश की गई थी। मूवी को मिला जुला रिस्पॉन्स मिला था। इस फिल्म के लिए विवेक अग्निहोत्री को 2 नेशनल अवार्ड भी मिले थे। दी ताशकंद फाइल्स दी कश्मीर फाइल्स के बाद लोगों को अब द दिल्ली फाइल्स का बेसब्री से इंतजार है। आपको बता दें कि जब से ये खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर और तमाम जगह पे कि विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म दी दिल्ली फाइल्स का ऐलान कर दिया है और वो जल्दी इस फिल्म को बनाएंगे, जिसके बाद से शहजाद पूनावाला, मनजिंदर सिंह सिरसा, आरपी सिंह समेत तमाम नेताओं ने दिल्ली फाइल्स का स्वागत किया है, तो वहीं कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा कि गुजरात फाइल्स कब बनेगी। साथ ही उन्होंने ये कहा कि दी कश्मीर फाइल्स बनाकर देश में जहर घोलने की कोशिश की जा रही है और जो माहौल देखा जा रहा है राजनीति का, वो एक बार फिर से दी कश्मीर फाइल्स के बाद अब दिल्ली फाइल्स को लेकर के सियासी माहौल जो है वो तेज हो गया है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। जहां बात दिल्ली फाइल्स की जा रही है, तो वहीं अब विपक्षी ये कह रहे हैं मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कि गुजरात फाइल्स कब बनेगी। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि दिल्ली फाइल्स बनती है और दिल्ली फाइल्स 2020 के दंगों पर आधारित होती है, हालांकि अभी विवेक रंजन अग्निहोत्री ने सिर्फ मूवी का ऐलान किया है, इसकी कहानी क्या होगी, कैसी होगी, ऐसा कुछ अभी जिक्र नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर जिस तरीके से फरवरी 2020 में देश की राजधानी दिल्ली में दंगे हुए थे, उस दंगों पर अगर ये फिल्म बनती है, तो कहीं ना कहीं ये सीधा प्रहार होगा अरविंद केजरीवाल के ऊपर और अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि उस समय पे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और अभी भी हैं। और अगर दिल्ली फाइल्स खुलती है तो तमाम राज खुलेंगे कि किस तरीके से वहाँ पे दंगों को आयोजित किया गया था और जो तमाम लोग थे उनको किस तरीके से मारा गया, कैसे उनकी हत्याएं हुई, और सीधे सीधे आपके जो कई पार्षद उसमें शामिल थे उनकी भी लिस्ट खुलती देर नहीं लगेगी। हालांकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी द दिल्ली फाइल्स को लेकर के बयान दिया है कि इस फिल्म का वो स्वागत करते हैं। लेकिन अगर स्वागत करते हैं तो जिस तरीके से कश्मीर फाइल्स के ऊपर जब तमाम राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और उसी के साथ ही साथ मध्य प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया, लेकिन जब बात दिल्ली की हुई तो दिल्ली में इस फिल्म को टैक्स फ्री नहीं किया गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पहली फिल्म रही हो दिल्ली में जिसे टैक्स फ्री करने की मांग की गई हो। इससे पहले खुद अरविंद केजरीवाल ने कई फिल्मों को टैक्स फ्री किया, जिसमें से कबीर खान की 83, नील बटे सन्नाटा और साढ़ की आँख जैसी फिल्में हैं जिसने कि केजरीवाल ने इस फिल्मों को फ्री किया था। लेकिन जहां बात कश्मीर फाइल्स की हुई तो उन्होंने इस फिल्म को YouTube पे डालने की बात कह दी विवेक अग्निहोत्री को। साथ ही साथ जो जेनोसाइड हुआ था कश्मीरी हिंदुओं को लेकर के, उस पर वो ठहाके लगाते हुए नजर आए थे विधानसभा में। इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल के साथ जो उनके नेतागण मौजूद थे वो भी जमकर इस बात पे हंसते हुए नजर आए थे, जिसके बाद जो कश्मीरी हिंदू हैं उन्होंने खुलकर विरोध प्रदर्शन किया अरविंद केजरीवाल को लेकर के और कहा कि उन्हें तो इस्तीफा दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का नेता जब किसी देश को किसी राज्य को रिप्रेजेंट करे तो वहाँ की इमेज जो है खराब हो जाती है। जब 1990 में नरसंहार हुआ और कोई नेता इस तरीके से हंसी उड़ाता है
तो ये बहुत ही शर्म की बात है और बहुत ही अपमान की बात है। लेकिन उन्होंने टैक्स फ्री नहीं किया इस फिल्म को। अब बात आती है डेली फाइल्स की, तो क्या डेली फाइल्स को वो सपोर्ट करेंगे, क्या वो स्वागत करेंगे? और 2020 के दंगों पर अगर ये फिल्म बनती है तो क्या सच्चाई उसमें अरविंद केजरीवाल की भी दिखाई देगी? और आपके जो नेता उसमें शामिल थे जैसे कि ताहिर हुसैन, उनकी भी सच्चाई क्या देखने को मिलेगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जब विवेक अग्निहोत्री की फिल्म दी डेली फाइल्स एक बार थिएटर्स में आएगी और कश्मीर फाइल्स की तरह इसको भी लेकर क्या सियासत तेज होगी? आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।